हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी बढ़िया है। बट सुबह सुबह ना थोड़ी चीज़ें ऐसी हो गई जिससे रजत का थोड़ा मूड अपसेट हो गया। हुआ क्या कि रजत का इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया बिना बात, हमें पता ही नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या हुई, आपको याद होगा जब हम कैनेडा से आए थे ना तो हमारा बैग डैमेज हो गया था, तो उसके लिए हमने उसी टाइम क्लेम किया था और हमको इन्होंने कहा था कि वो फॉलो अप करेंगे, हमको बताएंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मुझे कोई कॉल आई ना कुछ पता चला। तो इसलिए आज रजत ने फिर से कंप्लेन किया उनको और उस कंप्लेन के चक्कर में एक घंटा निकल चुका है और आज जाना था हमने मम्मी पापा और दादी के चेकअप के लिए, तो उसके लिए भी लेट हो रहा है क्योंकि अगर हम सुबह जल्दी जाते हैं ना तो पर्ची जल्दी बन जाएगी, जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो हमको ये हो रहा है कि वहां के लिए भी लेट हो रहा है, ये काम भी नहीं हुआ वो काम भी नहीं हुआ। तो अभी सबको इतनी जल्दी हुई है तो मैंने सोचा इसी के साथ साथ मैं व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ और आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ काम नहीं, मैं रेडी भी थी और मम्मी पापा भी बेचारे रेडी होकर बाहर आ चुके, तो बस अब रजत का वेट कर रहे हैं हम। जैसी रजत आएगा तो हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। आ गए तुम? वाह रजत, मैं बोली रही थी जैसी रजत आएगा वैसे निकलते हैं। लो कोई नहीं कोई नहीं, सस्पेंड चल कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है एक बारी मेरे साथ भी हुआ था, ठीक हो जाता है। लाइन से लगे, पापा ने भी बाजू पकड़ी, मम्मी ने भी पकड़ी, चलो आज अच्छे से चेकअप हो जाएगी सबके। तो मम्मी का चेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब पापा को थोड़ा रिपोर्ट्स में टाइम लग जाएगा। नैना दादी के साथ है तो आज का दिन ऐसे ही चल रहा है। उफ यार, दादी के इतनी कॉमेडी होती है ना, मैं तुम्हारा बता नहीं सकती। गए हम उनका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, वहाँ पर मैं दादी को बोली दादी दर्द नहीं होगी ऐसा ऐसा, तो जब उनका ब्लड निकाल रहे हैं चेकअप के लिए ना, तो उसी को डॉक्टर को ही जो वहाँ पे थी उसको ही मारने लगी, ये तो मेरी पोती है ये तो अच्छे से करेगी, तो दादी हिलना नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता कुछ नहीं, दादी हिल लो बहुत हिलो। फिर उसके बाद ईसी जी ले गए तो उनको कहा कि माता जी लेट जाओ। दादी कैसे लेटे, जैसे सोने के लिए नहीं होता, दादी सोने के लिए सीधे लेटे सीधे, सब हंस रहे कि दादी कर गया है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलता हाँ जी माता जी बताइए क्या तकलीफ है। बोलते तकलीफ मैं क्यों बताऊँ, वो तो डॉक्टर को पता होना चाहिए। कहा दादी ये तो बताओ प्रॉब्लम क्या है, तो डॉक्टर बताएगा कि क्या तकलीफ है। तो मेरे तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया उनके साथ, कुछ ना कुछ चला ही है। 3 बजे बोला, 3 बजे आज मुझे लगता है हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। अभी कितने 12:30 हो गए। नहीं आप क्या धूप सेकने आए हो इधर? बस बहुत दिनों के बाद धूप सेकने। चलो अब कुछ खाने चले, दादी को भी ले जानी। सो गाइज ऑलमोस्ट सबका चेकअप हो चुका है, सारी टेस्ट वगैरह हो गए, बस अब मम्मी रहते हैं, उनके कुछ टेस्ट रहते हैं और दादी के साथ ही आज स्पेशली चाची आए थे, तो वो लोग ऊपर ही हमारी इतनी देर से वेट कर रहे हैं। मैंने उनको कहा अभी तक कि कुछ खा लेना, पर चाची बोलते कि दादी तुम लोगों का वेट कर रहे कि जब सब आएंगे तो साथ में खाएंगे, तो उनको देखती हूँ क्योंकि दादी ने तो सुबह भी कुछ नहीं खाया, तो थोड़ा बहुत पानी या जूस पिला लेती हूँ उनको और उसके बाद फिर सब साथ में लंच करेंगे। तुम जाओ मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, तुम रुकोगे ना मम्मी के साथ? हाँ, हाँ, तो बस मैं निकलती हूँ फिर तो ऊपर के लिए। चलो चलो जब मम्मी भी फ्री हो गए हैं तो आपको बता दादी आप भी का वेट कर रहे थे कि जब वो आएंगे तो लंच साथ में करेंगे। खाया नहीं था कुछ नहीं, जूस वगैरह पिलाया था मैंने उनको, फिर बस मैंने कहा चलो फिर वो भी आई रहे थोड़ी देर में, अब चलते खाना खाते हैं, आपको भूख लग रही होगी ना? ना हमने तो खाया भी है थोड़ा। पाया हॉस्पिटल की सबकी रिपोर्टें, हम भी तो इतनी अच्छी। और वैसे भी यहाँ की कैंटीन के समोसे बहुत ही बढ़िया। रजत समोसे खाने आया है चेकअप के लिए। चाची बोलते कि इतनी देर से दादी वेट ही कर रहे थे कि जब सब आएंगे तब खाएंगे, कि मैं तो कोशिश कर रही थी। सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं दादी का, दादी को पूछते डॉक्टर की भाई क्या प्रॉब्लम है, दादी बोलती मैं क्यों बताऊँ आप बताओ डॉक्टर तो आप, दादी तकलीफ बताओ तकलीफ, मुझे तो ऐसा हो रहा था। बस वहाँ पे भी यही बोल रहे थे दादी। खाना बहुत बढ़िया है ना, लोगों को मजबूरी लगती है कि हॉस्पिटल का खाना खाना पड़ रहा है, रजत खुश होता है कि हॉस्पिटल का खाना बहुत टेस्टी है। मुझे खाना मिल रहा है ना, मैं उसमें खुश हूँ, भगवान ने मतलब खाना दे दिया ना एक वक्त का, उस समय नहीं सोचता कि अच्छा या बुरा है, बढ़िया खाना एकदम अच्छा सादा और हेल्दी। मैडम चाय सबकी दे दी, सबकी दादी,
अंदर भी इतनी कॉमेडी करते ना था, अभी डॉक्टर के साथ में कहा हमको बाहर निकाल देगा और वापस नहीं मानेंगे। तो अभी खाना वाना खा के हम जा रहे हैं वापस अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने और उसके बाद दिखाना है डॉक्टर को। बट एक खुशखबरी आई है कि मेरा वापस इंस्टाग्राम रिट्रीव हो गया है, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी, बट मैंने मेटा को मेल्स भी किए थे, बाकी लोग भी थोड़ा हेल्प कर रहे थे, लकीली हो गया। सो हॉस्पिटल से हम लोग फ्री हो गए और सबके टेस्ट चेकअप सब कुछ हो गया, सबका नॉर्मल है, थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे है उसके लिए थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं। बट आज हॉस्पिटल डे था हमारा, डे वेल स्पेंट इन हॉस्पिटल। बट मुझे सही लगता है यार कि ये कॉन्फर्मेशन मिल जाती है कि कोई दिक्कत नहीं है। रूटीन चेकअप इसलिए ज़रूरी होता है, बेशक आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही, बट कई बार अंदर ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो हमें पता नहीं लगता, सिम्टम्स बहुत लेट समझ आते हैं, तो रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। और अभी घर चलते हैं, घर पर जाके नहाते धोते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे। सो अभी हम घर के लिए निकल गए हैं और थोड़े हम टाइट टाइट होके बैठे हैं क्योंकि चाची भी हमारे साथ आए, तो चाची कहते हैं यार फिट नहीं आ पाएंगे हम ना, तो दादी कहते हैं अगर तेरे को ज्यादा ही लग रहा था तो पैदल आ जाओ, अगर दादी नहीं छोड़ते किसी को भी, बट बहू की तो पूरी पूरी क्लास लेते दादी, बहू के अच्छे डॉक्टर है, बहू तो मैं अपने घर की है, कोई किसी का डर नहीं है। अच्छा दादी का पूरा ऐसे चलता है, हक से बोलेंगे भी, हक से प्यार भी करेंगे। देखा तेरे भी एहसास बैठी, मेरी सास को भी दादी खूब पंप देते हैं कि क्लास लो ऐसा करो वैसा करो, मेरी सास पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, दादी मेरी बेटी को हमारी बेटी को भी टॉर्चर नहीं कर रहा, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ तभी मैं आप दोनों के बीच में बैठी हूँ ताकि हो ना सके ज्यादा दिन नहीं। माता जी मैंने ना इसको फंस के रखा हुआ अगर ज्यादा ही घास हो तो फिर थोड़े भी है, बट चलो हमारा हंसी मजाक तो चला ही रहता है। दादी सबकी सीनियर हो गए ना, अब हमारा जो ससुराल वाली साइड है वहाँ पे भी एक ही बुजुर्ग हुए, और जो मायके वाला है वहाँ पे भी यही एक बुजुर्ग है, दादी सबकी क्लास लेती है, ये तो है। बट अच्छी बात ये है कि हम टाइमली फ्री हो गए और यहाँ पे इतने काले बादल आ गए तो बारिश शुरू होने से पहले हम घर भी पहुँच जाएंगे। जैसे ही हम घर पहुँचने, इतनी जोरों की बारिश शुरू हो गई और इतना अच्छा लग रहा है ना, एक तरफ से स्काई क्लियर भी है बट बारिश भी हो रही है, और ऐसे में ना हमारे घर के सामने दो दो रेनबोज आते हैं, तो अब मैं एक्साइटेड हूँ कब वो रेनबोज मुझको देखने को मिले। मजा आ रहा है यार, ओले पड़ रहे हैं, ओले बढ़ते जा रहे, गुड़गुड़ भी इतनी ज्यादा हो रही है, और मुझे लगता है कि शायद और भगवान ऐसा ही हो कि अब सर्दी चली जाए, इसके बाद बारिश बर्फ ना हो, क्योंकि अब थोड़ी गर्मियों का इंतजार हो रहा है, मैं चाह रही हूँ जल्दी से समर आ जाए, और जब वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना विंटर से समर का, ये मेरा फेवरेट, मेरा फेवरेट है वो, और हर जगह फूल खिल रहे होते हैं। इनफैक्ट शिवानी जब अपने गाँव गए थे ससुराल में तो वो दिखा रहे थे कि सरसों लगी, इतना सुंदर लग रहा था ना यार, तो मुझे उस मौसम का बड़ी बेसब्री से इंतजार है कब वो अच्छे अच्छे दिन आएंगे, स्वेटर्स खोल के हम टी शर्ट्स में घूमेंगे एकदम आराम से। तो अभी हम घर पहुंचे ना तो चाची बोल रही किचन कहाँ है, ये कहाँ है, क्योंकि मेरे चाची पहली बार आए हैं, इनको साल के बाद टाइम लगा है घर आने के लिए, पर चलो नहीं पूरी दुनिया घूमते रहते, मैं बिजी नहीं रहती है थी नहीं हमें, ये भी है क्यों आए हो भाई, क्यों आए हो घर में नहीं थी, ये बात भी सच है क्योंकि मैं घर पे नहीं होती, घर में नहीं थी जब मैंने इसको फोन किया, घर में नहीं थी। हाँ पर ये बात भी है कि ये भी घूमते ही रहते, कभी बॉम्बे में होते कभी चंडीगढ़, तो अब मैं इनको पूरा घर दिखाती हूँ पहले, हाँ क्योंकि इनको भी ऑफकोर्स एक्साइटमेंट होगी कि देख ही लेती हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा था हम ना ये, फिर मैंने फोन नहीं किया था तेरे, हाँ जी तो तू हम थे नहीं, हाँ हम थे नहीं एक्चुअली, अभी आज ना घर अच्छे से नहीं है क्योंकि जब से एनिवर्सरी हुई है सारा सामान बिखरा पड़ा है, कुछ चीज यहाँ है, नहीं थके तो बिल्कुल नहीं है, पर एनिवर्सरी के बाद ऐसे तो गिफ्ट्स थे, फिर गेस्ट आए थे, तो घर ना हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, अभी कुछ समेटा ही नहीं है, और इनफैक्ट जब से कनाडा आया है तो ढंग से थोड़ा सामान बैग्स वगैरह रखे ही नहीं है, तो ये है जी किचन हमारी। और घर पहुंचते ही रजत लग गया काम में, थोड़े बहुत ये आए थे स्टैंड्स ना जो हमने कुछ दिन पहले लगाए थे, तो हमको ये लगा कि काफी ज्यादा अच्छे इसमें
सारी चीज़ें नीटली आ गई थी। तो रजत ने ये फिर से ऑर्डर करे कि सारे शूज़ लगा दूंगा। मैं रजत को कह रही थी कि बाद में करते, बट रजत को ये हुआ कि अब भी कर लेते हैं वरना बाद में रह जाता है। सारे काम हो जाए तो अच्छा है। हाँ, तो अभी मैं तो अंदर गेस्ट के साथ बिजी हूँ, यहाँ रजत अकेले से लगा है। इसमें कुछ नहीं है। दादी दादी सबकी फेवरेट है ना। अभी बात चल रही है, चाची बोल रहे थे कि मैं दादी को बोल रही थी अब नहीं जाना है, वहीं रहना है। तो मैं कहा दादी की तो हर जगह ही डिमांड है, इनके पोता पोती चाहते हैं कि हमारे पास रहे, हमारे पास रहे। सही बात है, ऑन हाई डिमांड। दादी को राह चलते भी इतने लोग मिल जाते प्यार करने वाले, घर वाले तो आज हॉस्पिटल में भी इतने सारे लोग मिले। ऐसी बनी दादी चाय मम्मी ये नहीं पता चल रहा है दादी को चाय का नशा या पोती का नशा है। क्योंकि जब मैं घर पे सब्जी भी बनाती थी ना, अगर मेरे से सब्जी जल भी जाए तो पापा क्या बोलते थे, बड़ी टेस्टी सब्जी है, बड़ी टेस्टी है, कभी बुरी बोलेंगे ही नहीं सब्जी को। वही हाल दादी का, जैसी मर्जी बनेगी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा दादी हाई ऑन डिमांड घर परिवार में तो है ही है, व्लॉग्स में भी हाई ऑन डिमांड है। सब दादी के लिए बोलते हैं कि कितने प्यारे दादी, कितने अच्छे। मैं कह इतनी अच्छी भी नहीं है दादी हमारी, और क्या ज्यादा पंप मत दो। पार्टी में कैसा मजा आया? मजा आया, सब मिल गए। दादी ने क्या एक्टिंग मारी है चाची। मेरे को एक टाइम पे शक हो गया कि दादी को पता भी है कि आज पार्टी। मैंने इनको बता दिया ना सुबह, बहुत डर डर के बताया मैंने कि कहीं ऐसा ना नैना के सामने बोली दे दादी पर। मैंने बोला मैं कि नैना को मत बताना गलती से, ठीक है। उसके बाद चाची शाम को क्या हुआ, हमने मैंने सबको बोला, मैंने मम्मी पापा को तो बोल दिया था कि हम ना जाने का, मैं नैना को ले जाऊंगा बाहर। इसके हिसाब से ये कि मैं और नैना ही जा रहे हैं, और आप मना कर देना कि हमने तो नहीं जाना है बाहर, दादी को बताना है, भूल जाओ। और जैसे मम्मी पापा ने बोला नहीं नहीं हमने तो नहीं जाना है, हम तो यही बनाएंगे खाना। और दादी भी ऐसे हो गए कि हाँ आज भाई बाहर बहुत नहीं जाना, यही खाना। मुझे लगा शायद दादी भूल ही चुके हैं। फिर मैं दादी फिर बाद में पूछा जाती बोलते मुझे पता है मैं तो एक्टिंग कर रही थी। दादी एक नंबर की एक्टर है भैया, एक्टिंग जब इतने बुजुर्ग हुए तो बच्चे क्यों नहीं। पॉइंट है मान गई आपकी बात। आगे तो जाती है ना कृष्णा। पर मजा बहुत आया सच में, सब लोग आए, इतना मुश्किल से होता है दूर दूर से पहुंचना। मैंने मतलब एक सबसे दूर से पहुंचा हुआ गेस्ट तो यही है, मान गई आपको पहले बताया है दो दिन पहले, क्योंकि प्लान ही तभी हुआ। हाँ, इतने शॉर्ट इंटरवल में मुश्किल होता है। मतलब ये था हमारे ये कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं था प्लान, कुछ नहीं था ये। तो ये दो दिन पहले मैंने ऐसे ही सोचा कि ऐसा करूं। हाँ। मैंने इनको तो मैंने बल्कि एक दिन पहले बताया, और नैना के पापा को मैंने एक दिन पहले बताया। बोलते हो रजत मुझे तो जाना था आज। मैं कहा पापा मैं आपको तो कुछ नहीं बोल सकता, आपको तो आना ही, अब कुछ भी करो कैसे भी करो। हाँ मम्मी कल बोल रहे थे तुम्हारे मेरी याद ही नहीं आई, तुमने एक बार भी वीडियो कॉल नहीं करी। मैं कहा मम्मी बहुत बिजी थे हम उस दिन, याद तो ऑब्वियसली घर वालों की आती है। नहीं और पता है मुझे ऐसे लग रहा था कि मम्मी भी शायद आए होंगे, तो मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया। फिर मैंने देखा वो तो मुंबई में बैठे हुए, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई नहीं आया होगा। मैंने उनको रात को फोन किया, फिर मैं भी नहीं उनको बोल पाई। मैंने कहा रजत ने सीक्रेट रखा है, पता नहीं अब उन तक पता होगा। सीक्रेट्स का ये झमेला होता है, यही नहीं पता होता किसको पता है किसको नहीं पता। मैं उनको नहीं बोल पाई कि हम लोग नहीं, उस टाइम तो हमारे को टिकटॉक का भी नहीं था पता कि हमारे डेट मिल जाएगी हमारे को कि नहीं मिलेगी सीट्स और कुछ नहीं, बल्कि सीट्स भी तो पता हम सबसे पीछे मिली थी हमारे को सीट्स। तो लास्ट मोमेंट पे तुम चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। चुपके ही करता है, चोर बंदा है रजत। दादी मुझसे किया है मैंने जिंदगी में, मुझसे ना चोर नहीं होशियार है, कोई होशियार नहीं है, कोई होशियार नहीं है, नहीं होती कोई होशियारी। मेरे को तो पता भी नहीं चला जो काम इसने किया। पर बहुत ही मेरे से नहीं होते दादी ऐसे सरप्राइजेस वगैरह, बहुत मुश्किल होता है। मैंने पता नहीं कैसे कैसे किया है। तेरे को उनको ना एक साथ रखना पड़ता है हमारे, वो ना अगर उनको बोलो कि बात ऐसे पढ़नी, बस सबसे पहले मेरे इधर पापा का
ही रहा था, इनको मैंने कस्मे दिए कि पापा गलती से मत करना कुछ भी। लास्ट मोमेंट में उस दिन भी इन्होंने जब उस दिन जो पार्टी थी उस दिन यहाँ लगा कि मैं जाता हूँ, मैं बताता हूँ, मतलब ऐसे करा रहे थे मुझे। चलिए पार्टी को देखता क्या बोल रही है, माता जी मुंह देखे पता नहीं क्या बोल मैंने तो आपकी चाची को पहले पूरा घर दिखा दिया। मैं आज दिन अच्छा नहीं था दिखाने के लिए क्योंकि ना अभी हमारे बहुत खिलारा पड़ा हुआ है, एनिवर्सरी के बाद भी हमने सफाइयाँ नहीं की है और काफी टाइम से बस ऐसे ही चले। तो अभी जैसे चाचा पहुंचे ना तो चाची ने पहले फोन कर दिया था ये लेके आ जाना, तो चाचा ने मेरे लिए एक बहुत प्यारा सा सूट लेके आए हैं और भी मिठाइयाँ वगैरह लेके आए हैं। बट यहाँ पे काम की बात क्या है कि चाचा ने खुद सिलेक्ट किया है, वरना चाची सारी सिलेक्शन का काम यही करते हैं। कोई घंटा लग गया मेरे को, वो परेशान हो गए, बोलो जी अब चाहिए क्या आपको? नहीं बहुत प्यारा, मैं इसको भी 10-12 से पर हो पर लगे वो नहीं, मैं इसको बड़ा अच्छा लगा कि घर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मैंने कहा बाकी क्या कलर तो बहुत अच्छा नहीं, पर ये सब लाने की जरूरत थोड़ी होती चाचा। चलो एक मैंने तो कहा नहीं दे दो तुम तो इन्होंने लाना तो था ही, मैंने तो पकड़ भी लेती हूँ क्या एक्टिंग करनी वो तो बच्चों का होता है। और पता है चाचा का ऑफिस ना मॉल रोड पे होता था, जब हम छोटे छोटे होते थे ना जब भी हम मॉल जाएंगे ना तो हमने जानबूझ के इनके ऑफिस के आसपास घूमते थे, क्यों? क्योंकि चाचा जब भी मिलेंगे ना तो इनसे थोड़े पैसे झड़ ही जाते थे, तो हमने जानबूझ के जाना चाचा मिल जाएंगे तो मौज हो जाएगी, मॉल रोड पे घूम के कुछ खाने के लिए पैसे ही मिल जाएंगे। रूबी के गए ना तो रूबी के घर में भी उस दिन यही बातें थी। अरे इसने मुझे 100 बार बताया है, जब भी हम मॉल जाते हैं ना बस यही बताती है कि चाचा का ऑफिस होता था यहाँ और हम बच्चे ना 100 चक्कर मारते थे इस ऑफिस के आस पास। हम सारे कजिन्स वैसे भी ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के ही है, तो इनका ऑफिस मॉल पे होता था, तो ये तो हमको मतलब 110% है, ये जब भी मिलेंगे तो पैसे जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनके ऑफिस के बाहर मंडला था। तो वही बात अभी होगी कि अभी ये चीजें लेके आए थे, मुझे पता था इन्होंने लाना तो है ही, सोचा एक्टिंग क्यों माननी है, पकड़ लो छोड़ना तो शिवा रहेगा, 2 सूट लाएंगे फिर तो इनको आना हर बार महंगा पड़ जाएगा। नहीं नहीं यार बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है ना कि मन कर रहा बाहर ही खड़ी रहूं उसे देखती रहूं, बट अभी घर पे गेस्ट आए तो मैं सोच रही हूं कुछ खाने के लिए भी अच्छा बना लेती हूं, क्योंकि रात के लिए मैंने पापा और चाचा दोनों को कहा है कि इधर ही आना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं नहा लेती हूं अच्छे से क्योंकि आज पूरा दिन हम हॉस्पिटल में ही थे, तो ये सारे कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर उसके बाद मैं किचन में जाती हूं। मम्मी क्या बन रहा है? अच्छा और मदरी, हाँ वो बनाओ, मुझे बहुत ही मन कर रहा है, नैना को बहुत पसंद है रोंगी की मदरा। डिश में फिर नैना बनाएगी बोला, क्या पता नहीं क्या बनाएगी। और दादी वो कहाँ गए हैं? वो ऊपर गए टेनिस। अच्छा इधर दादी क्या कर रहे हैं? दादी ये क्या देख रहे हैं? दादी मैं देख रहे हैं। दादी आप बिगड़ चुके हो, कितना अच्छा डांस करता है ये, कर सक रही थी दादी ना, ऐसे पूरा दिन भजन सुनते रहते हैं, मतलब जैसे दादी फ्री टाइम होता दादी के पास दादी का भी भजन सुनते हैं और अपनी दादी फेसबुक चला रहे दादी, अरे कैसे कर रहे हैं? मैं भजन देख रही हूँ। स्वाइप कर जा रहे हैं यार, दादी एक नंबर की आइटम है बिल्कुल, अपने को ना ऐसे स्वाइप करते रहते जब तक ना भजन ना दिखे और ऐसे डांस डूंस दिख जाए तो बढ़िया मजे लेते रहते और हमको बोलते रहते तुम क्यों नहीं करते ऐसा डांस, मैं कह नहीं दादी हम में इतना टैलेंट नहीं है, डांस देख के लोग डर जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप बता दो। पत्नी की बात माननी चाहिए। अच्छा है? हमारी भलाई चाहती है पत्नी। तो दादी बस ऐसे ही ज्ञान लेते रहते हैं और हमें भी आगे देते रहते हैं और नैना भी नहाने गई है, उसके बाद खाना वाना करते हैं, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अब थक भी गए हैं काफी ज्यादा। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अब मैं थोड़ा ज्ञान सुनता हूँ दादी से। भगवान का सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद, भगवान से आशीर्वाद लो, भगवान का ध्यान लो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, दुनियादारी है अपना कुछ भी नहीं है।